नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूपीआई पेमेंट को लेकर के काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया था। बीच ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था और तेजी से बढ़ता जा रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को सामने आकर के ट्वीट करके खुद जाकर के जवाब देना पड़ा। यूपीआई पेमेंट को लेकर के विवाद क्या है, क्या इससे दिक्कतें थी लोगों को, क्या परेशानियां थी जिसको लेकर के इतना विवाद खड़ा हो रहा था, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। रिसेंटली हुआ क्या दोस्तों कि आरबीआई ने घोषणा करी कि आरबीआई जो है वो यूपीआई पर यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर एमडीआर को लेकर के चर्चा कर रहा है, एमडीआर को लेकर के समीक्षा कर रहा है। एमडीआर बोले तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो ये लगाने की समीक्षा कर रहा है, इस पर विचार कर रहा है। इसको बस सुनना था कि पूरा एक प्रकार से फैलना शुरू हो गया कि अब तो यूपीआई पेमेंट पर भी अब चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा और लोग यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो चार्ज देना पड़ेगा। बहुत तेजी से ये फैलना शुरू हो गया और इसको लेकर ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप सभी लोग यूपीआई का यूज करते हो, बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में यूपीआई से ट्रांजेक्शन होता है, तो इस बात को लेकर के लोगों में एकदम बिल्कुल डर आ गया कि यूपीआई से भी जब अगर चार्ज कटेगा तो आप सोच करके देखो, अगर आप 100 रुपए मान लीजिए ट्रांजेक्शन करते हो कहीं पर और आपसे कहा जाता है कि 2 रुपए कट जाएंगे या 1 रुपए भी अगर कट जाएंगे तो समझो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फिर से आकर के इन्होंने क्लियरेंस किया, क्लियर दिया, यूपीआई टू रिमेन फ्री, गवर्नमेंट वोंट लेवी एनी चार्जेस फॉर सर्विसेज। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके बताया कि अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर अभी के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं सोचा गया है कि इस पर चार्ज लगाने का अभी कोई विचार नहीं है। यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ट्वीट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, यूपीआई इज ए डिजिटल पब्लिक गुड विद इमेंस कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स फॉर द इकोनॉमी। तो देखिए दोस्तों, यूपीआई डिजिटल पब्लिक गुड तो है ही, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, जितने भी डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि 70-80% ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में इसको पब्लिक यूज कर रही है क्योंकि इजी टू यूज है। और साथ ही साथ आप देख रहे हो जितनी भी जो पेमेंट कंपनियां आ गई हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, बहुत सारी ये सब कंपनियां भी यूपीआई के लिए जब लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं तो इनसे भी लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियतें मिल रही हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा, ये क्लियर कर दिया है कि अभी यूपीआई के लिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी चार्ज लगाने के बारे में नहीं सोचा गया है। ठीक है, देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है, यूपीआई सर्विसेज पर चार्ज लगाने के लिए। इसके बाद इन्होंने और एक ट्वीट किया, गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट। पिछली बार अगर आपको याद हो दोस्तों तो 1500 करोड़ कोविड के टाइम पर सरकार ने मदद करी हुई थी यूपीआई पेमेंट को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के दोस्तों खर्चे भी होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इतने लोगों का ट्रांजेक्शन कराया जा रहा है वो भी बिल्कुल सिक्योर तरीके से, धोखाधड़ी ना होने पाए, उनसे लोगों को बचाया जा रहा है, तो इस पर तो टीम तो लगेगी, उधर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा एल्गोरिदम तो लगेगा ही, उसका खर्च आएगा, तो उसके खर्च के लिए जो चार्ज होता है वो सरकार जो है वो खुद से वहन करेगी, ऐसा यहां पर कहा गया है। और इन्होंने बताया है कि पिछली बार भी हमने सपोर्ट किया था 1500 करोड़ के आसपास में और इस बार भी आगे भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो ये खर्च आएगा वो हम लोग वहन करेंगे यूपीआई पेमेंट को लेकर के। और ये होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, कारण ये है कि अभी आप देखो आरबीआई जो है ये करेंसी छापता है, करेंसी छापने में सोचो कागज कहां से मंगाए जाते हैं, ठीक है, पेपर कहां से मंगाए जाते हैं, विदेशों से भी मंगाए जाते हैं, फिर टकसालें होती हैं, प्रिंटिंग जगह केंद्र होते हैं वहां पर छपते हैं, इतनी सारे प्रोसेस के बाद उनको सिक्योरली पहुंचाया जाता है बैंकों में, उसके बाद लोगों के पास पहुंचता है करेंसी। इतना का सारा तामझाम जो होता था वो केवल करेंसी के लिए और क्वाइंस के लिए होता था, ठीक है, लेकिन अब यूपीआई आ जाने की वजह से कैशलेस हो गई इकोनॉमी, और कैशलेस होने की वजह से मतलब बहुत सारे लोग अमूमन जो है, मैक्सिमम जो है वो यूपीआई से ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैशलेस ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरबीआई का यहां पर पैसा तो बच ही रहा है, यहां पर जो बच रहा है उसको यहां पर तो खर्च किया ही जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए भी कह दो कि हम इसको भी पब्लिक पर डाल दें तो ये तो सही नहीं होगा, ठीक है, यूपीआई जो है सिस्टम अच्छा। अब दूसरी बात, यहां पर दलील क्या आ रही है, तो यहां पर जो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, तमाम तरह की दुनिया भर के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो जब यूपीआई से ट्रांजेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ चार्ज तो लगता ही है, तो उसी टाइप से समझो उसी चार्ज को एमडीआर कहते हैं। एमडीआर बोले तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट आरबीआई लाने वाला था और अगर ये मतलब इस पर यही कहा गया कि हम विचार कर रहे हैं इस पर, ठीक है, कि इसके लिए क्या सोचा जाए, तो एमडीआर के लिए यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट के लिए अब यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन कर रहा है उस व्यक्ति पर लोड ना लेकर के उसका खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी, ऐसा कहना है इनका।
अब इतना सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन क्या आप जानते हो ये यूपीआई एक्चुअल में है क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक्चुअल में होता क्या है, ये भीम यूपीआई जो आप सुनते हो या फिर यूपीआई जो सुनते हो, भीम जो सुनते हो, ये होता क्या है? तो एक्चुअल में यूपीआई की शुरुआत 2016 में करी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि पेमेंट के लिए एक यूनिफाइड तरीका ऐसा स्थापित कर दिया जाए जो इंटरफेस का काम करे, यानी एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांजेक्शन में कराने में मदद करे, बिचौलिए का काम करे, मतलब ट्रांजेक्शन करवाए एक प्रकार से, ठीक है, चाहे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे लोग अपने एक यूपीआई आईडी से दूसरे यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर सके। यानी कि अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक है, अगले बंदे का भी कोई बैंक है, तो आपका जो बैंक है वो आपके यूपीआई आईडी से कनेक्टेड होगा, यानी आपके आपका बैंक जो अकाउंट है उससे एक यूपीआई आईडी आपकी बना दी जाएगी, और अगले बंदे का भी जो बैंक है उससे उसकी यूपीआई आईडी एक बना दी जाएगी। अब इन यूपीआई आईडी और यूपीआई आईडी के माध्यम से ट्रांजेक्शन होगा। इन ट्रांजेक्शन को कराने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यही यूपीआई जो है ये कंडक्ट कराती है, और इसके लिए पीछे संस्था काम करती है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी के तहत यूपीआई काम करता है। अब यूपीआई काम तो करता है, चलिए यूपीआई आईडी भी बन गया, लेकिन आप कहां पर, किस एप्लीकेशन पर जाकर के पेमेंट करेंगे? इसके लिए सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया, सरकार ने भीम ऐप लॉन्च किया। भाई देखो, जैसे कि आपको सामान बेचना है तो पहले अपनी दुकान में एक स्थापित करनी ही पड़ेगी, तो भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ये सरकार ने लॉन्च किया। अब ऐसे ऐसी और सारी कंपनियां भी आ गई, वो भी सर्विस प्रोवाइडर आ गई, वो भी कहें कि यूपीआई से हम भी ट्रांजेक्शन करवाएंगे, हम भी ट्रांजेक्शन कराते ही हैं, यूपीआई से भी करवाएंगे। सरकार ने कहा बहुत अच्छा, आप लोग खर्च करोगे एडवर्टाइजमेंट में, अपने आप खुद ब खुद आप भी ग्रो होगे और हमें अपना खर्च नहीं करना पड़ेगा भीम पर, चलो ठीक है। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, दुनिया भर का पे आ गया और वो सब यूपीआई से रजिस्टर करने लगी लोगों को। तो कुल मिला जुला करके यहां पर आपको समझ में आया कि एक प्रकार से अब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन ना सीधे ना करके अब यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है। अच्छा, आपने सुना होगा एक हुआ करता था एनईएफटी। देखिए होता क्या था, ऐसा तो है नहीं कि अभी भी नया नया शुरू हुआ इंटरनेट से मनी ट्रांसफर होना, इंटरनेट से पहले भी ट्रांसफर हुआ करता था, लेकिन कुछ दिक्कतें थी उसमें। दिक्कत क्या था, यूपीआई जहां पर दोस्तों आप इंस्टेंट ट्रांसफर करते हो, इमीडिएट पेमेंट होता है, 24/7 होता है, वहीं एनईएफटी में 12 घंटे तक का लग जाता है फंड को ट्रांसफर होने में। जहां पर दोस्तों ट्रांजेक्शन यहां पर इनिशिएट किया जा सकता है बैंक यूपीआई ऐप से, चाहे आप गूगल पे, फोन पे, किसी भी ऐप से कर सकते हो, वहीं यहां पर दोस्तों ट्रांजेक्शन जो है ये मस्ट बी इनिशिएटिव ऑफ सेंडर या रिमिटर बैंक ऐप, जो सेंडर होता है उसके ही बैंक ऐप से ये हो सकता है। यहां पर बोथ पेमेंट एंड कलेक्शन होता है, यानी आप पेमेंट कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन एनईएफटी टाइप में केवल और केवल आप पे कर सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते थे। यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट भी है, जिससे बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए किसी की धोखाधड़ी भी हो तो बहुत ज्यादा लॉस ना हो, लेकिन यहाँ पर कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है एनईएफटी में। ट्रांजेक्शन कैन बी कैरीड आउट ओनली यूजिंग योर यूपीआई आईडी, ये केवल और केवल आपको यूपीआई आईडी आपका चाहता है, यूपीआई आईडी पता हो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर IFSC कोड, ब्रांच स्पेसिफाइज, बहुत सारी चीजें नीड होती है। तो ये यूपीआई और एनईएफटी के बीच अंतर रहा, यही कारण है कि यूपीआई लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियतें देने लगा और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। अभी एक रिपोर्ट आई दोस्तों, इसमें पता चला कि अगस्त 2018 से लेकर के अप्रैल 2022 तक में लगभग कई गुना, समझ लो 1000 गुना के आसपास में, 10000 गुना के आसपास में कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, इतना तेजी से ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है अप्रैल 2022। यहां पर स्टैटिस्टिका का एक रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन लगातार ये बढ़ते ही जा रहा है। अप्रैल 2022 में देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,00,000 करोड़ में है, 9.8 लाख करोड़ अप्रैल में आया केवल, ठीक है। तो अप्रैल 2022 में यूपीआई का रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन हुआ। इसके बाद हर महीने में अगर देखा जाए तो अभी तो अगस्त चल रहा है, तो जुलाई का भी अभी जब डाटा आएगा तो वो बहुत ज्यादा होगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। तो इन सब को देखते हुए ये यूपीआई लाया गया था, और यूपीआई को के ऐसी ही महत्वता बनाए रखने के लिए सरकार ने कहा है इसी बैकग्राउंड में जो भी खर्च होगा वो हम वहन करेंगे। यूपीआई के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लीजिए। 11 अप्रैल 2016 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा, दोस्तों ये ऑपरेट किया जाता है, और भारत के अलावा विदेशों में भी अब इसके मार्केट बनने शुरू हो चुके हैं।
भारत के अलावा ये भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस, यहाँ पर भी ऑपरेट हो रहा है यूपीआई सिस्टम इंडिया का। इंडिया का ये जो यूपीआई सिस्टम है दोस्तों, दुनिया की सबसे सेफेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है पेमेंट का। ऐसे में आपको ऐसा टाइप कहीं आपको अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही यूनिक तरीका है ये, बहुत ही फास्ट तरीका है, सिक्योर तरीका है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल अभी हाल फिलहाल में बढ़ा दिया गया है 12 महीनों के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से उनका नाम है। इन चार ऑप्शन में सभी के सभी कोई न कोई विभाग के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। आपको कमेंट करके बाकी विभागों के भी नाम बता देने हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पर जाकर के आप ई बुक सेक्शन में या फिर कोर सेक्शन में जाकर के देखिए क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या आपके लिए यूजफुल हो सकता है। हजारों बच्चों ने इसे परचेज किया है, आप भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।